सर नमस्कार, कैसे हो? नमस्कार, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आप फिर पहुंच गए, यानी कि पुष्कर है? पुष्कर आ गए। कब आए थे? परसों शाम को आए थे। अच्छा जी भाई साहब, तो 4-5 दिन हो गए। ओ सर, ये तो पहले से डेरा दे देते मेला चालू होने से पहले। साहिला में घोड़ा जिताने के बाद में अब यहीं डायरेक्ट आ गए थे। 5 तारीख के आने की बोल रहे थे पहले तो? हाँ, 5 का था, फिर वहाँ से 4 को 3 को निकल गया था। अच्छा, मैंने कहा एक दिन के लिए वापस घर जाएंगे, फिर वापस आएंगे। क्या घोड़ों को लोड करना और अनलोड में थोड़ी रिस्क रहती है। अच्छा अच्छा, इसलिए सीधा यहीं आ गए थे। तो अभी रिंग तो 11 का है ना सर? हाँ, 11 का। 11 का रिंग खत्म करके फिर जाओगे? हाँ। फिर उसके बाद कहाँ जाओगे? मैं दूसरा कोई है वो आगे का पता नहीं, आगे का पता नहीं। और सर आप बताओ, क्या हाल है? बस बढ़िया है। कैसा लग रहा है मेला आपके साथ? मेला बढ़िया है। मेले में इस बार बड़े बड़े स्टेबल वाले बहुत सारे लोग आए हैं, और अब लोगों को वापस क्रेज जगह है घोड़ों का क्रेज जगह है। 2-3 तरीके के घोड़े हैं यहाँ, तो जो अंडर 1.5 लाख के हैं वो तो बहुत सारे बिक चुके हैं। 30,000 के, 50,000 के, लाख के, 1.5 लाख के, वो तो बिक चुके हैं। अब जो रिंग क्वालिटी के हैं या शो क्वालिटी के हैं या ब्लड लाइन वाले, वो लोग कल लेके आए, आज ला रहे हैं, कल भी लाएंगे, क्योंकि वो शो रिंग के हिसाब से। तो आप सर जैसे कि इतने स्टेट फॉर्म वालों के पास में गए होंगे, तो कैसा क्या माल है उनके पास में? नहीं, माल अच्छा है, अच्छा, और इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है, अच्छी ब्रीडिंग हो रही है क्या। मगर ये जरूर है कि कहीं कहीं अभी भी किसान लोगों को जब देखते हैं ना, कल मैंने क्या देखा कि 2-3 नुगरी काली घोड़ी है, वो नुगरे खोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब मेरी तो ये कि सजेशन है उनको कि आप अगर काली घोड़ी है तो नुकरा न खोला जाए काली घोड़ी पे। हाँ, क्योंकि उस पर चंबा पैदा होगा ना, तो वो इधर का ना उधर का ना, वो कहते हैं ना गधा ना तो घर का और ना घाट का, तो बेटर है। मगर अब वो क्या, उन लोगों को लगता है कि हमारे नुकरी पैदा हो जाएगी, और हो भी जाती है कभी कोई 50 में से 5-7 हो जाती है, मतलब वो आप रिस्क है क्या। अगर और नुकरी घोड़ी है तो आप काला मत डालो, नुकरी डाल दो। तो सर नीली चंबी घोड़ी पे तो लोग बोलते हैं कि नुकरा बच्चा पैदा हो जाता है। नहीं, नीली चंबी जैसे अगर बिल्कुल काली घोड़ी है, और नीली चंबी पे भी आपको फिर 50-50 चांस है कि हो सकता है वो चंबा हो जाए। अच्छा अच्छा, और चंबे के फिर क्या इतने बायर नहीं है, मैं आपको बता दूं, पहले बायर थे, चंबे से नुकरी पैदा करते थे। अब क्या है कि आदमी को या तो वो टोटली स्पॉटलेस नुकरी या मारवाड़ी। तो सर आप भी घूम रहे हो मार्केट में, क्या रुझान है आपका? मेले में क्या 2-3 साल से वो पहले बहुत डाउन गया था, ग्लैंडर की वजह से और नोटबंदी की वजह से। इस बार पब्लिक भी अच्छी है, घोड़े भी खूब आए, टेंट भी खूब लगे हैं, और लोगों में अभी जागरूकता भी बहुत आई है ब्रीडिंग के बारे में। अच्छा, हर आदमी अच्छे से अच्छे बच्चे तैयार कर रहे हैं, अच्छी घोड़े तैयार कर रहे हैं, इस बार माहौल बहुत बढ़िया। और रेट क्या जा रहा है सर, जैसे कि रेटों का तो कोई है, घोड़ों की रेटें फिक्स होती है, 25,000 में भी बिक रहा है, 50 लाख में भी नहीं बिक रहा है। अच्छा, तो ये सर कुछ आइडिया कि मेले में अभी तक महंगा बच्चा कितने का क्या बिका होगा, कुछ आइडिया? नहीं, अभी नहीं, अभी और बिकेगा तो भी वो अभी क्या लोगों ने, हो सकता है डील हो गई हो। अच्छा, हो सकता है इंटरनल हो गई हो। हाँ, मगर वो ओपन नहीं आई, रिंग के बाद या रिंग के टाइम करेंगे। अच्छा अच्छा, मुझे लग रहा है ऐसा, मतलब कुछ डिले जरूर हुई होगी, क्योंकि हुआ तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि भाई अंतरराष्ट्रीय मेला कुछ। और मैं आपको बताता हूँ कि किसी आदमी को ये सोचना नहीं चाहिए कि मेरे पास अगर किसी के पास जोरदार चीज है, हिंदुस्तान के हर घोड़े वालों को मालूम कि वो जोरदार चीज कहाँ है। अच्छा, और सबका टारगेट रहता है कि वो लेनी है, ठीक है। अब अगर आपके फिर कोई सोचता है कि मेरे पास यार ग्राहक नहीं आते हैं, अगर आपके पास बी सी ग्रेड का माल है और आपके ऊपर टारगेट नहीं है तो वो नहीं आएगा। अच्छा, और अगर आपके पास एक नंबर चीज है, मैं आपको बताता हूँ, किसी गाँव में किसान के पास हो या जो अंदर हो के जा साला 20 किलोमीटर गाड़ी बड़ी मुश्किल से जाती हो, वहाँ भी बंदा पहुँच जाएगा, अच्छी चीज़ तो बिकेगी, अच्छी चीज़ तो बिकेगी, कोई रोक नहीं सकता। 100% माल तो बिकना ही है, बिक नहीं है, वो तो बिक रहा है। तो सर अभी जैसे मार्केट में आप आए हो, तो पहले भी पुष्कर मेले आए हो क्या? तकरीबन 20 साल से आ रहा हूँ। 20 साल से आ रहा हूँ, तो पहले कितने लोग जानते थे और आपकी 25 वीडियो की सीरीज के बाद में क्या हालत है? बहुत सारे लोग जानते हैं, और इस एक बार वापस मैं दोहराना चाहता हूँ, मैं फ़ोन नंबर इसलिए नहीं दे पाता हूँ कि मैं वर्किंग क्लास आदमी, मैं ऑफिस में नहीं बैठता हूँ, मैं घोड़ों के साथ काम करता हूँ, कितनी बार मेरे साथ टूरिस्ट क्लाइंट होते हैं तो उस वक्त हम बात नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक बार फिर लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ये नहीं सोचे कि मुझे घमंड है या कुछ भी है, ठीक है ना, वो यही सोचे कि अगर वो एक मैसेज डाल दे, मान लो फेसबुक पर डाल दे, तो मैं उसका अगर जब भी टाइम मिला मैं या फिर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, क्योंकि सामने वाले को ये आइडिया ही नहीं होता कि मैं बिजी हूँ या मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। बस बाकी तो लोगों ने तो इतना पहचाना है आपकी
बड़ी बात है, कल हम निकल रहे थे तो कम से कम 20-25 लोग, कुछ लोग तो ऐसा है कि साला 20 मीटर से दौड़ के आ रहे हैं भाई साहब दिनेश जी, और मेरा पहचान का एक वो लगा हुआ स्टेप मार्क, ये साथ में होता है तो फिर जल्दी पहचान, मान के चलो अगर ये साथ में नहीं तो एक बार को थोड़ा कंफ्यूज होगा, इनको कंफ्यूज होता है कि ये दिनेश जी है या नहीं है, मगर इनको देख कुछ नहीं तो वो वीडियो खुल के देख लेगा, अच्छा भाई दोनों से शक्ल में चोरी है बोले नहीं, मगर खुद बहुत सारे लोग देखते हैं और बहुत से लोगों ने धन्यवाद भी दिया कि उनको बहुत सारी हेल्प मिली, और अपन तो ये चाहते हैं कि बिल्कुल आप स्ट्रेट बात करो, ये भी नहीं कि घुमा फिरा के और मोनोपोली वाला वो नहीं भाई, अपन जो जानते हैं अपन जो करते हैं वो बता दो तो उससे क्या किसी को हेल्प हो जाएगी। तो सर जैसे कि आपके पास में वीडियो के बाद में फोन भी आए होंगे कुछ नंबर, जबकि हमने दिए नहीं थे पर जब भी फैल गए होंगे, नंबर नहीं दिए मगर क्या है कि मेरा जो कृष्णा रेंज का वेबसाइट बना हुआ है, अब उस पे क्या है कि वो गूगल कर लेते हैं आजकल तो लोग, अरे भाई यार इनका नंबर किसी से पता, तो वो कुछ ना कुछ करके फिर भी क्या है वो इतने आ रहे हैं कि मतलब कभी कभी जवाब नहीं दे पाते हैं, और जब टाइम होता है जरूर जवाब देता हूँ मैं, उनसे बात करता हूँ, उनकी प्रॉब्लम जानता हूँ, मगर अब वो प्रॉब्लम भी बताते थे, उस प्रॉब्लम का एक ही इलाज नहीं होता, 20 इलाज है, तो उनको बात करने में टाइम चाहिए कि भाई ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ, फिर उसका अपन बाकी एक उसने प्रॉब्लम बताई और उसको दवाई बता दी, हो सकता है वो उस प्रॉब्लम के पाँचवा तरीका हो और अपन तरीका अपन जो सोच रहे हैं तो उससे कुछ पूछने के बाद ही अपन दवाई बताएं। तो जैसे सर आपके पास में फोन आए होंगे तो कोई एक ऐसी जो आपके पास में यादगार चीज हो जो आप शेयर करना चाहो, किसी ने कुछ पूछा हो और उसको फर्क पड़ा हो। नहीं, एक बिहार से मेरे पास फोन आया था, वो बंदा गरीब आदमी था, उसने शौक से घोड़ा खरीदा, वो साहब उसने मुझे वीडियो भी भेजा कि मेरा घर ऐसा है और मैं रखता हूँ और मेरा घोड़ा 7-8 दिन से बीमार है, मैं डॉक्टर से इलाज भी करा दिया, तो फिर हमने बोला भाई कि अगर ये कुछ जब उससे बातें होती रही तो हमने कहा कि ये इसके ये प्रॉब्लम हो सकती है, मैं 100% नहीं हूँ मगर मैंने कहा भाई ये ट्रीटमेंट इसको चलाओ, ठीक होने के बाद भी आप तुरंत बंद मत कर देना, वो एज ए प्रिकॉशन आप करो तो आपको जो दर्द 2 महीने में होने वाला वो हो सकता है 6 महीने नहीं होए क्या, तो वो उसने बहुत फिर ठीक होने के बाद भी उसने 10 दिन बाद फिर फ़ोन किया, धन्यवाद दिया कि यार भाई साहब मैं बहुत खुश हूँ, मेरा घोड़ा अच्छा हो गया, और स्पेशली क्या जो शौक से ला रहा है और उसका एक ही घोड़ा है, फाइनेंशियली उसके ये नहीं है कि मैं 20 घोड़े खरीदूँ, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात क्योंकि है। जो 50-100 घोड़े रखता है पैसे वाला है वो तो अपना हम जैसे 100 होंगे तो किसी पूछ ले डॉक्टर को बुला ले क्या फिर हो भी जाते हैं ठीक है सब, अब बेचारा गरीब आदमी तो 300-400 के लिए सोचता ही, संतुष्टि मिलती मैं मानता हूँ। अब जैसे सर के पास में भी दिन में 50-100 फोन तो आ ही जाते हैं मेरे हिसाब से, है ना, मेरे पास जाते तो मैं ट्रांसफर कर देता हूं, आप इनको फंसा देते हो, बोला इधर फोन करो है। नहीं, अब क्या हुआ कि जो अपने हमारे राजस्थान में हुकमगढ़ वाले हैं, हाँ हुकमगढ़ स्टेट फोन, हाँ निर्मल सिंह जी, वो क्या मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं, मगर उनके बड़े ब्रदर है किशन सिंह जी, उनसे क्या मेरा थोड़ा ज्यादा लिंक है, तो वो क्या पहले घोड़ों में इन्वॉल्व थे तो वो मुझे ज्यादा फोन करते कोई भी प्रॉब्लम होती थी, अभी क्या कोई माइंस वाइंस का कर रहे हैं तो निर्मल सिंह जी का इनके पास फोन आया, फिर इन्होंने मेरे नंबर दिए, तो मैंने कहा भाई अच्छा वो खुद घोड़े रखते हैं 25-30, वो बहुत ज्यादा समझते हैं और अगर उनको अपन कोई दवाई बताएंगे वो कर भी सकते हैं, मगर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि किसी को बताते और कर नहीं पाता तो दवाई क्या काम करेगी, तो उन्होंने मुझे फोन किया तो उन्होंने बताया डॉक्टर ये मैंने किया, मैंने कहा देखो ये अगर आप कर सकते हो तो आपकी घोड़ी ठीक हो जाएगी, तो उनको कुछ जो कुछ बताया को 11 बजे उसकी घोड़ी वो बोले कि बिल्कुल फ्रेश हो गई और सुबह उनका फोन आया कि बहुत धन्यवाद ये वो, तो सबसे मैन क्या सर आपके पास में जो नॉलेज है ना वो प्रैक्टिकल करा हुआ है, मतलब मैं आपको बताता हूँ कोई भी दवाई है ना अपन प्रैक्टिकल नहीं बिना करे किसी को नहीं बताऊंगा, मैं पहले प्रैक्टिकल करूंगा उसके बाद बताऊंगा, क्योंकि क्या बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि जैसे कि आपके वीडियो सुन लिए, जैसे मेलों में मैं एक दो जने तो उन्होंने वही चीज मेरे को कॉपी कर दी, अब उन्होंने वो कॉपी पेस्ट कर दिया, पर आपने क्या एक प्रैक्टिकल करा हुआ है, आपको पता है कि इससे क्या होगा और क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, अपन घोड़ों में यूज करके और उसको बता रहे हैं ना 10 बार यूज कर रहे हैं, उसके बाद कोई किताब एक दिन में थोड़ी लिखी जाती है, किताबों के लिए तो पहले रिसर्च होती है फिर किताब छपती है, तो आप रिसर्च किए बिना ट्राई किए नहीं बिना और मैंने इनसे सुना और मैंने आगे परोस दिया वो नहीं काम का, प्रैक्टिकल करो कुछ फर्क पड़ रहा था आगे बताओ। चलो सर अब की बार कोई सीरीज बनाएंगे तो वो पूरी प्रैक्टिकल ही बनाएंगे जिससे लोगों को क्या है जानकारी ज्यादा मिले, घोड़े के सामने बनाएंगे, क्या है सामने कि एक घोड़ा खड़ा करेंगे, इवन घोड़ा खड़ा करके उसको बताएंगे भाई ये हेड टू टेल क्या हो रहा है क्या, तो उससे क्या लोगों को फर्क पड़ेगा, और अपन चाहते हैं कि अपन घोड़े के लिए कर रहे हैं, आप लोग हमारे यहाँ भी आए इनके यहाँ भी गए, हमें अगर खाली पैसा कमाना होता
तो साला हमारे पास ऐसी जमीन है और ऐसे टूरिस्ट रहते हैं कि वह 50 कमरे बना के एसी रूम में ही बैठे रहे नोट गिनते रहे। मगर हमें घोड़ों का एक शौक है, जुनून है, इसलिए। पर सर दूसरी चीज ये कि आपने जितनी जानकारी दी, बहुत सारे लोगों के पास में ऐसा नहीं है कि जानकारी आपको ही है, आपके अलावा नहीं है, पर उनके पास में भी जानकारी है, पर एक ये कि दूसरा तो डिफाइन नहीं कर पाते, और दूसरा ये बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते कि भैया दूसरे को जानकारी हम दें। वो नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है उनकी, वो कमी है। और कितनी बार सुनी, मतलब कितनी बार क्या सुन के आप मत बताओ। अगर आपको किसी ने बताया प्रैक्टिकल करो, अगर सक्सेस होता वो आगे आप बताओ, और पहले सामने वाले की पूरी बीमारी का बायोडाटा लो। अगर आपने बीमारी का बायोडाटा नहीं लिया और आपने दवाई बता दी और वो चीज ही वहाँ नहीं है, तो कितनी बार 100% आप आपकी भी फोन पर बता रहे हो, प्रैक्टिकल घोड़े के सामने खड़े होगे तो 85% आपको मालूम पड़ जाएगा इस घोड़े में क्या प्रॉब्लम है। फोन पे तो वो बताएगा, वही सुनोगे आप, उसकी दवाई बताओगे तो वो काम, मतलब मैं मानता हूँ कितनी बार तो वो आपका तुक्का सीधा लग गया, कितनी बार हो सकता है कि आप 40% पे जा रहे हो तो 40% वाला मामला ही उल्टा मामला हो जाए, उल्टा भी नहीं होगा मगर वो काम नहीं करेगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा, बेनिफिट कम मिलेगा। अब जैसे सर से कोई अगर रिंग के बारे में पूछ लेता पूरा खोल के समझाते थे, जैसे की ये करते है ना इसमें की यार बीमारी हो गई तो उससे आप पहले से बचो ना, मतलब की इतना देख रहे हैं की यार घोड़े के कोलिक होने से यार ये प्रॉब्लम आती है, तो उसका पहले वाला इलाज कर लो आप, तो उसको फूडिंग में अच्छा मिला कर दो, कुछ दो, कुछ मतलब कि आप, मतलब इनका कहने का मतलब ये कि जैसे कोलिक हो गया, ठीक है, कोलिक होने के ऊपर आपको जो भी मेडिसिन या जो भी यूज कर रहे हो चार गुना करनी है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, आपको एक ही 2 घंटे के अंदर चार गुना करनी है और वही अब ठीक हो गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको 10 दिन उसको स्लो मोशन में जो एक दिन में यूज की वो 10 दिन में धीरे 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 करो, मसाला हुआ कुछ भी हुआ, उसके बाद का जो आपने इलाज किया ना वो आपको फ्यूचर फायदा देगा। 15 दिन में, महीने में ऐसा करता रहे, मतलब 15 दिन में, जैसे अगर आप जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है जैसे पेट दर्द हुआ तो इलाज तो करना ही है, ये भी देखना है किस वजह से हुआ। अपन ने खाने में कोई चीज चेंज तो नहीं की, चेंज की तो क्या चेंज की, वो चीज कोलिक हुआ घोड़ी को, तो अब वो क्या थोड़ा नया है, नई घोड़ी खरीदी है तो वो क्या पता सी भी लगाना नहीं आ सक रहा है। तो मैंने सबसे पहले आप किसी को पता सा लगाने के लिए भी बोल रहे हो तो उसको भी बोलो भैया पहले तेरा पाँव बचाना, क्योंकि अगर वो जाके अपन ने बोला पता सा डायरेक्ट लगा दे, फिर उसने मैंने बोला भाई ये टेबलेट दे देना, तो उसने कोई पानी डाल दिया, उसने दूसरी टेबलेट देने की, क्योंकि वो नहीं वो दे दूं क्या, मैंने कहा पानी पिया कि नहीं पिया, मैंने कहा मत दे क्योंकि वो तो पानी और खींचेगी। अच्छा, तो अच्छा। अगर गलती से उसने वो दे देता तो वो डिहाइड्रेशन हो जाता, तो प्रॉब्लम बढ़ती। और वो उसके अपन ने बताया 1 घंटे बाद फोन आ गया घोड़ी रेडी है, रेडी है तो अब उसके बाद का प्रिकॉशन भी बताना जरूरी, नहीं तो वो सोचे मेरी घोड़ी अच्छी हो गई फिर खाना डाल दिया 4 घंटे बाद फिर बीमार। तो किस वजह से हो जाता है सर वो? किस वजह से हो जाता है? कभी कभी क्या होता है फूड एकदम खाने से भी हो जाता है। जल्दी जल्दी घोड़े को आप क्या कोई अच्छी चीज ऐसी रखो, जैसे अपन भी होते हैं ना कोई हलवा बना दिया तो बहुत स्वाद वाला होता है, खा जाते दिन भर के भूखे हो, अब आपको पहले रोटी नहीं रखी और हलवा रख दिया आपने, हलवा चट कर दिया, वो नहीं होना। उसी तरीके से घोड़े में भी कुछ अचानक जल्दी खाने से या खाना चेंज होने से या अभी बारिश में कोई मूंगफली का चारे में कोई फंगस लगने से ये भी प्रॉब्लम जहर वाला हो ही जाता है। ओके, तो सर जैसे कि अभी बाजार में ताकी घोड़े बच्चे वगैरह बहुत बिक रहे हैं ना, तो ये ताकी का क्या मसला है यानी कि? देखो ताकी घोड़ा ये है कि ताकी वैसे आ रहे हैं ज़्यादातर नुकरे में, अबलक में, इन्हीं में ज़्यादा आते हैं, काले घोड़ों में बहुत कम आते हैं, काले में कुमेद में जो मारवाड़ी प्योर है उसमें नहीं आते, ताकी घोड़ा नुकरा और ये जो अबलक है उसमें आता। अब इसमें प्रॉब्लम बिक रहे हैं तो जो नहीं मानते हैं इस चीज को वो खरीद लेंगे क्योंकि उनको शादी में चलाना है, मगर उससे कोई ब्रीडिंग नहीं कराएगा। अच्छा। जैसे जय मंगल घोड़ा होगा उससे भी अगर आपने कोई नॉर्मल घोड़ी वाले को ब्रीड कराया तो हो सकता है वो ताकि आ जाए, हो सकता है जय मंगल आ जाए, आप हम ये नहीं करेगा 100%, मगर ये चांस बनते हैं। फिर क्या हो, ताकि जय मंगल या काली आके तो 30-30% चांस हो गया, अब आप 60% नेगेटिव में क्यों जाओ, तो वो बिक रहे हैं, वो बिकना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक ताकी घोड़ा है वो रेवाल का मास्टर घोड़ा है, 15 लाख का बिका है, अब वो उनके काम का, हमारे काम का नहीं, हम तो उसको 30,000 का भी नहीं ले सकते क्योंकि हमें ब्रीडिंग का काम है ये। तो सर ताकी घोड़े का जैसे कि बच्चे वगैरह ले लो कोई दिक्कत तो नहीं है जैसे? नहीं, मगर उसमें चांस बनता है कि ताकी आ गया तो फिर क्या करोगे, बेचोगे का आपको, क्योंकि उसके खरीदार
2% है ताकि इनका मतलब एक आंख वाइट। अच्छा ठीक है ना, तो वैसे दिखने करने में थोड़ी दिक्कत होती होगी, दिखने में कोई दिक्कत नहीं, खाली लेंस अलग है ना, लेंस अलग है। ये एक मेंटली आदमी को ये बताया गया कि भाई ये शुभ नहीं रहता है। अच्छा अच्छा, क्या तो अब ये शुभ नहीं रहता है तो आदमी जब नया घोड़ा खरीद रहा है या घोड़ा खरीद रहा है और उसी दिन उसके कुछ हो गया तो उसको कह रहे मैं ताकी की वजह से हो गया। चलो हम नहीं रखते हैं, हमारा भी भाई अपना एक क्राइटेरिया है कि भाई इस बावरियों में मैं विश्वास कम करता हूँ, मगर कुछ पर्टिकुलर एक दो चीज़ें वो नहीं लेता हूँ। क्या बाकी तो अच्छा घोड़ा है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ेगी, नहीं तो अच्छा घोड़ा खोदोगे आप। जो जयमंगल सही रहता है, जयमंगल सुंदर है, जयमंगल लोग जो नुकरे में जयमंगल आता है वो बढ़िया है। अबलक में भी पहले महाराष्ट्र में जयमंगल का बड़ा शौक था, क्रेज था, और उसको सालोतर में भी अच्छा माना गया, मगर मारवाड़ी में अगर जयमंगल रख रहे हैं तो उनको डर क्या है कि कहीं एक आंख वाइट नहीं आ जाए। अच्छा, जैसे घोड़ी है, कोई घोड़े से करे उसकी जयमंगल आके उसके बच्चे के आ गया तो बच्चे के खरीदार मिलेंगे, मगर जो घोड़ा नॉर्मल आंख वाला 2 लाख में बिकने वाला होगा वो 40 में बिकेगा, तो आपको काटा तो दे दिया उसने, बहुत प्रॉब्लम है। तो सर एक चीज़ और बताओ, आप मेले में आए हो तो पूछ ही लेते हैं कि जैसे कि अभी मार्केट में क्या ना लोग हीट के बारे में पता नहीं कर पा रहे कि ठंडी हीट का कैसे क्या पता करें, तो उसके बारे में बताओ कैसे पहचाने हम इस चीज़ को। क्या होता है कारण क्या होता है कि अभी बहुत सारे लोगों ने जो जैसे छोटी बच्ची हैं 20 महीने की हो गई 22 महीने की, उनको क्या ओवर डाइट दी, ओवर डाइट के अलावा क्या है उनको कुछ खाने में ऐसी फैट की चीज़ें दी गई, उससे क्या होता है उनके वहाँ जो वजाइना होता है वहाँ पर एक चर्बी आ जाती है, चर्बी आने की वजह से वो क्या हीट बताती है मगर उसका पूरा फुल हीट नहीं बता कि वो अंदर ही उस मतलब बाहर आदमी महसूस नहीं कर पाता है। अच्छा, तो वो हीट की वजह से लोग बात मालूम ही पड़ता है कि ये हीट बता रही है नहीं बता रही है, तो उसके लिए तो बेस्ट ये है कि आप एक कोई टीजर घोड़ा लेके आओ और नए घोड़े के पास 2-4 आपके घोड़ों को तो पहचानती है उससे नहीं करेगी, वो नया घोड़ा आते ही वो चांस ज्यादा बन जाएंगे। अच्छा, तो अच्छा। मेरा ये है कि अगर आप कोई फर्स्ट टाइम घोड़ी है तो उसको थोड़ी सी वेट कम कर दो, उसको चिकने की चीजें कम दो, तब फैट नहीं आएगी तो वो हिट पे आने के ज्यादा चांस बन जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे थे उसको जैसे अदंत है, 2 दांत है, 4 दांत है और घोड़ी बने जब तक वो रिंग में लगाने का उनको शौक होता, उनको ब्रीडिंग का ध्यान ही नहीं रहता, बस वो रिंग रिंग रिंग, और फिर जब 4-5 साल से ऊपर की जो घोड़ी हो जाती है उसको ब्रीडिंग हिटिंग आने में थोड़ा, क्योंकि वो 9 महीने से हिट चालू हो जाती है और उसने 9 महीने से 3 साल 2.5-3 साल तक तो खूब हिट पे आई और आपने ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान नहीं दिया तो वो फिर वो इतनी यूज्ड हो जाती है कि वो हिट उस तरीके से बताना बंद कर देती है, फिर डॉक्टर से चेक करानी पड़ती है, भूल जाती है। हाँ, जैसे कोई होता है ना, अब अपन बात करते हैं भाई कि कोई 40 साल का आदमी हो गया वो ब्रह्मचारी रहा और फिर अगर उसको अचानक तो वो घोड़ा जो होता है ना, घोड़े को फर्स्ट टाइम अगर ब्रीडिंग पे उसको ध्यान ही नहीं होता है, मगर जब उसको चस्का लगता है जब उसको मालूम पड़ता है कि ये भी खेल है, को भी अच्छा अच्छा, को भी उसके घोड़ा पास का पास खड़ा है कुछ नहीं है उसको हिट पे आई तो भी नहीं करा है, तो 10 बार एक साल में 12 बार आती है, 12 बार में क्या होगा कि वो 12 बार क्या 15 बार आती है, और 15 बार आपने नहीं करी तो 16वीं बार क्योंकि साला कुछ नहीं हो रहा अपने तो खड़े ही रहो, तो वो क्या धीरे धीरे वो भूल जाती है। तो सर जैसे कल मैं मार्केट में गई था तो मेरे को किसी ने बोला कि घोड़ी हमारी यानी कि प्रेग्नेंट हुई पर 2 बार से क्या है वो 10 महीने में बच्चा बाहर फेंक देती है, तो वो किस वजह से हो रहा है? नहीं उसके तो कोई दूसरे उसके दूसरे कारण हो सकते हैं, मगर एक बेटर ये है कि एक तो उनको फूड चेंज नहीं करना है, जब 8-9 महीने की हो जाए ना तो फूड वही रखे। अच्छा वही रखे, मतलब फूड के अचानक चेंज करने से कुछ हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और उसको वो मिल्क उतारना, बच्चा फेंकना या कोई कहीं ऊपर नीचे होने में, और एक 9 गर्मी की चीज़ ज़्यादा खिला दी। हाँ, और एक 9 महीना की अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो घोड़ी को टिटनेस का इंजेक्शन लगा देना चाहिए। टिटनेस का? हाँ, उससे क्या होगा कि आपको जब बच्चा पैदा होगा बच्चे के इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा अच्छा, तो अगर आपने 9 महीने की प्रेग्नेंट घोड़ी हुई है उस घोड़ी के आप टिटनेस का इंजेक्शन लगवा दो तो बच्चा जो पैदा होने के बाद उसको लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो उसको लास्ट टाइम में वो मिल उसके शरीर के थ्रू बच्चे को भी मिल जाएगा, बच्चा पूरा ग्रो कर चुका है 9 महीने में, क्या पूरा बन चुका है, बस उसको 2 महीने बाकी बाहर निकलने में। तो घोड़ी को कोई खतरा तो नहीं रहता उससे? नहीं, फिटनेस से तो फायदा है, फिटनेस तो लगाना ही चाहिए। अच्छा, टिटनेस लगाना ही चाहिए। टिटनेस लगाना ही चाहिए। नॉर्मल घोड़ी होती है उसको 3 ml लगाते हैं, प्रेग्नेंट होती है उसको 4 या 5 ml लगाते हैं, वो लगाने से मतलब मैंने किया हुआ है प्रैक्टिकल, इसलिए मैं बता रहा हूं। अच्छा अच्छा, भाई नहीं लगाते थे तो क्या प्रॉब्लम आती थी और लगाने के बाद क्या फायदे होते हैं। ओके, थैंक यू सर इतना टाइम निकाल के जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।